सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो यार आ चुका है और एक नए वीडियो के साथ वापस। एंड ये वाला वीडियो में हम आपको लाइटरूम ऐप से कुछ येलो टोन फोटो एडिट करना सिखाएंगे। आप कैसे फोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो एंड बैकग्राउंड को येलो कैसे कर सकते हो, पूरा स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो के अंदर आपको बताए हुए हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और हाँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करो तो वीडियो को लाइक कर लेना। एंड चैनल पर पहली बार आया हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एंड इसको इस फोटो को हम एडिट करें लाइटरूम ऐप से, तो इसको शेयर कर लेते हैं लाइटरूम ऐप के अंदर। तो गाइस यहाँ पर हमारा फोटो लाइटरूम ऐप के अंदर आ चुका है। लाइटरूम ऐप के अंदर आ जाने के बाद गाइस यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको, कलर वाला ऑप्शन, ये वाला। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद गाइस इसके टेम्प को प्लस कर लेंगे करीब 3 के करीब, एंड वाइब्रेशन को बढ़ा लेंगे करीब 19 के करीब वाइब्रेशन को बढ़ा लेंगे, एंड इसके सैचुरेशन को बढ़ा लेंगे करीब 8 के करीब। बढ़ा लेने के बाद गाइस ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर ऊपर की तरफ, एंड इसके लेमनेस को प्लस कर लेंगे 44, एंड सैचुरेशन को माइनस कर लेंगे 23 के करीब। कर लेने के बाद गाइस फिर इस वाला ऑप्शन पे आएंगे, एंड इसके भी लेमनेस को प्लस कर लेंगे 42 करीब, एंड सैचुरेशन को माइनस 6 करीब कर लेंगे। कर लेने के बाद फिर येलो वाला ऑप्शन पे आएंगे, एंड इसके भी व्यू को पूरा फुल माइनस कर लेंगे, एंड लिमनेस को थोड़ा प्लस कर लेंगे 17 करीब, एंड सैचुरेशन को भी पूरा प्लस कर लेंगे 100%। एंड ग्रीन वाला ऑप्शन पे आएंगे, इसके भी व्यू को पूरा माइनस कर लेंगे। माइनस कर लेने के बाद गाइस यहाँ पे सैचुरेशन पे कोई प्लस कर देंगे करीब 62 करीब कर लेंगे, एंड लिमनेस को भी माइनस कर लेंगे 6 करीब। ये सब कर लेने के बाद गाइस फिर ये वाला ऑप्शन पे आएंगे, इसके व्यू को -26, सेचुरेशन को +38 कर लेने के बाद गाइस यहाँ पर डन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद गाइस ये नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसके विंटेज को माइनस कर लेंगे -21 करीब कर लेंगे, एंड इसके क्लियरिटी को बढ़ा लेंगे, क्लियरिटी करीब 26 करीब बढ़ा लेंगे इस क्लियरिटी को, एंड इसके टेक्सचर को भी बढ़ा लेंगे करीब 9 करीब। बढ़ा लेने के बाद गाइस इसके मिड पॉइंट को भी बढ़ा लेंगे 61 करीब। बढ़ा लेने के बाद गाइस फिर ट्रेंगल वाला ऑप्शन पे आएंगे, एंड इसके शार्पिंग को बढ़ा लेंगे करीब 36 के करीब बढ़ा लेंगे, एंड नॉइज रेडिएशन को 5 के करीब बढ़ा लेंगे, एंड कलर नॉइज रेडिएशन को पूरा फुल कर लेंगे 86 के करीब। कर लेने के बाद गाइस इतना सारा चीज़ कर लेने के बाद फिर ब्राइटनेस वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा ऊपर की तरफ एक, इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। एंड गाइस ब्राइटनेस वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको नीचे की तरफ आना है, एंड इसके ब्लैक्स वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको, एंड इसके ब्लैक को -1 के करीब करना है, एंड वाइट को आपको कर देना है +4, एंड शेडो को भी माइनस कर लेना है आपको, शेडो को -4 कर लेंगे, एंड हाईलाइट को कम कर लेंगे गाइस -18 करीब, एंड कॉन्ट्रेस्ट बढ़ा लेंगे, कॉन्ट्रेस्ट को +8 करीब कर लेंगे। कर लेने के बाद गाइस फिर एक्सपोजर वाला एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, एंड इसको उतना ही रहने देंगे। ये सब कर लेने के बाद सो गाइस यहाँ पर हमारा फोटो लाइटरूम ऐप से अच्छी तरह से एडिट हो चुका है, एंड अब इसको हमको एडिट करना है स्नैपशीट ऐप के अंदर। तो इस फोटो को शेयर कर लेते हैं स्नैपशीट के अंदर। सो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारा फोटो स्नैपशीट के अंदर आ चुका है। स्नैपशीट के अंदर आने के बाद यहाँ पर एक पेंसिल वाला आइकन देखने को मिल जाएगा आपको, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक डर्मा वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। एंड गाइस क्लिक करने के बाद इसके फिल्टर को आपको, एंड इसके फिल्टर को आपको कर लेना है करीब 20 के करीब, एंड सैचुरेशन को बढ़ा के आपको कर लेना है
प्लस 84 करीब। कर लेने के बाद इसको सेव वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड ये वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। व्यू डेट्स पे क्लिक करेंगे, फिर डर्मा पे क्लिक करेंगे, ब्रांच पे क्लिक करेंगे एंड इस पर क्लिक करके यहाँ पे हमारा फेस जो है लाल कलर का हो चुका है एंड इसको हम इरेजर कर लेंगे। तो गाइस कर लेने के बाद गाइस इतना कर लेने के बाद इसको हम सेव कर लेंगे एंड सेव कर लेने के बाद यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा फोटो अच्छी तरह से पूरा एडिट हो चुका है एंड इसको सेव करने के लिए इसे रोल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ, तो हमारा फोटो सेव हो चुका है। तो यार कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अभी तक इंस्टाग्राम आईडी को हमारा फॉलो नहीं करो तो यार क्या करो, इंस्टाग्राम आईडी को जाओ और फॉलो करो, आईडी सुपरस्टार अजय है।